वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम। क्या डिफरेंस है ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम के बीच में? सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडिट प्लान की। ऑडिट प्लान में हमने बात करी थी कि जितनी भी अप्रोच है वो है मैथोडिकल अप्रोच, मैथड यूज़ करना, स्टेप बाय स्टेप रिव्यू करना और उन चीज़ों की रिव्यू करना जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट्स, इंटरनल प्रोसेस, और उसी प्रोसेस के अंदर एक प्लानिंग की जाती है कि किस तरीके से ऑडिट ऑब्जेक्ट को अचीव करना है, एस्टेब्लिश करके ऑडिट प्रॉपरली कंट्रोल मैनर में करनी है, रिस्क और क्रिटिकल एरियाज जिसमें हाई रिस्क है उनको देखना है, और इकोनॉमिकली वर्क को कम्प्लीट करना है यानी कि तरीके से काम को करना है, खर्चीला नहीं करना है, और ऑडिट रिसोर्सेज को बचाना है। तो ऑडिट प्लान के अंदर भी ये ऑडिट स्ट्रेटजीज को लेस डाउन करता है कि ऑडिट स्ट्रेटजीज क्या होगी, उस स्ट्रेटजी को सेटअप करता है, उस स्ट्रेटजी को एस्टेब्लिश करता है और उस स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग फॉलो अप एक्शन होता है यानी कि फॉलो करा जाता है ऑडिट के अंदर। तो जो भी ऑडिट एरियाज है उसको आइडेंटिफाई करके स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन करा जाता है और जो भी स्किल होती है वो पूछी जाती है और नॉलेज ली जाती है। अगर ऑडिट प्रोग्राम की बात की जाए तो ऑडिट प्रोग्राम एक ऑडिट असाइनमेंट को करने का तरीका है जिसको हम कह सकते हैं आउटलाइन, कि हम किस तरीके से ऑडिट प्लान जो हमने सोचा उसके अगर अकॉर्डिंग हम एक काम कर रहे हैं, ऑडिट प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो कि हमने बात करी थी ऑडिट प्रोग्राम वाली वीडियो में। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? एक आउटलाइन हो गया जिसमें ऑडिट कैसे करना है, कौन करेगा ऑडिट, व्हाट वर्क क्या करना है और कितने टाइम में करना है, वो सारी बातें इसमें आती है। दो बातें आ गई यहाँ पे, एक तो ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम की। ऑडिट प्लान एक प्लानिंग है जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैथडिकल अप्रोच रखी जाती है। ऑडिट प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जिसमें ऑडिट असाइनमेंट को पूरा ढंग से तरीके से करा जाता है। ऑडिट प्लान में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, जैसे नॉलेज एक्वायर करना अकाउंटिंग सिस्टम की। सबसे पहले प्लानिंग के लिए नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, तो नॉलेज एक इम्पॉर्टेंट है किसकी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, अकाउंटिंग सिस्टम की, कंपनी की क्या पॉलिसी है, कंपनी का बिहेवियर कैसा है मार्केट में, कंपनी के कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, उन सब चीज़ों का एनालाइज करना एक्सेट्रा। इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर को समझना, कंपनी का इंटरनल एंगेजमेंट कितना है, कंपनी का इंटरनल प्रोसेस क्या है, किस तरीके से कंपनी रिसोर्सेज का यूज़ करती है, एम्प्लॉयज़ का किस तरीके से यूज़ करती है, किस तरीके से वर्किंग अप्रोच है, उन सबको यहाँ पे बांटा जाता है। सेकंड पॉइंट है एस्टेब्लिश द एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन इंटरनल कंट्रोल। फिर डिपेंडेंसी देखी जाती है, रिलायंस डिपेंडेंसी देखी जाती है कि कितना कंपनी इंटरनल कंट्रोल पर डिपेंड है, उस चीज़ का देखा जाता है, उसको एस्टेब्लिश करा जाता है कि कितना रिकॉर्ड कंपनी के सही है उसको देखा जाता है, कंट्रोलिंग कितना हो सकता है, क्रिटिकल एरियाज कौन से हैं, किस किस एरिया पे फोकस ज़्यादा करना है ऑडिट करते टाइम। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट अगर देखें, नेचर कंपनी का समझती है, टाइमिंग देखती है कि ऑडिट प्रोसेस में कितना टाइम होगा और उसको एक्सटेंड करने के बारे में देखती है, अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो किस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोग्राम को एक्सटेंड करा जाएगा, तो ये ऑडिट प्लान में करा जाता है कि डिटरमाइन द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। फोर्थ, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी डन, किस तरीके से वर्क को कोऑर्डिनेट करके चलना है और कैसे काम को करना है। उसके बाद आता है ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम में क्या आएगा, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल को समझना, एवेल्युएट करना, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखना उनकी उसकी क्या एक्यूरेसी है, कंपनी के ट्रांजैक्शन की वाउचिंग करना, कंपनी के ट्रांजैक्शंस को देखना, और वाउचिंग यानी कि एक एविडेंस जो बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन इस तरीके का है, इस टाइम का है, उस चीज़ को देखना, वेरिफिकेशन करना असेट्स और लाइबिलिटीज़ की, और लेजर को यहाँ पे देखना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और चीज़ों को देखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट रिपोर्ट का डिस्क्लोज़र कब करा जाएगा, प्रेजेंटेशन कब करा जाएगा, वो सारी चीज़ें ऑडिट प्रोग्राम में देखी जाती है। तो सेकंड डिफरेंस ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम में क्या है,
ऑडिट प्लान में कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर को समझना, कंपनी के अंदर नेचर को समझना, कंपनी के अंदर वर्क किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड है, जबकि ऑडिट प्रोग्राम में पूरे इंटरनल कंट्रोल को इवेल्यूशन करना, पूरे अर्थमेटिकल इवेल्यूशन करना, ट्रांजैक्शन को देखना, लेज़र को देखना, असेट्स लायबिलिटी का वेरिफिकेशन करना। तो ये एक तरीके से कंपैरिजन हो गया। अगर देखा जाए सिंपल लैंग्वेज में तो ऑडिट प्लान हो गया, ऑडिट प्लान तो सिंपल सा ये हो गया कि जितनी भी चीज़ें उनका प्लान करना, और ऑडिट प्रोग्राम वो हो गया जिसमें सारी चीज़ों को इवेल्यूएट करना। तो आज हमने बात करी ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम के डिफरेंस के बारे में। थैंक यू।